Assalamualaikum everyone, viewers, CA, model schools and colleges में teachers और lecturer की शानदार jobs announce की गई हैं, male, female दोनों apply कर सकते हैं, B.Ed लाजमी नहीं है, कैसे apply करना है, कौन से subjects वाले जो viewers हैं वो apply कर सकते हैं, ये तमाम तर details आज की video में आप लोगों से share करूंगा, लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे channel education updates पर नए हैं, तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड बटन नजर आएगा उसे प्रेस करें चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली जॉब अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके तो चलिए व्यूअर्स हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ही एडवर्टाइजमेंट पर चलता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि कौन सी पोजीशंस अनाउंस की गई हैं क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है जी तो यहां पर आप देख सकते हैं CA मॉडल स्कूल एंड कॉलेज टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड है टीचिंग स्टाफ का मतलब यह है कि टीचर जॉब्स भी है और लेक्चरर की जॉब्स भी हैं फर्स्टली बात कर लेते हैं यहां पे फारसी ये स्कूल एंड कॉलेज जो है वो कराची की पहले बात कर लेते हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के सिटीज में अनाउंस की गई हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्टली मैथमेटिक्स वाले अप्लाई जो सीट है उसके लिए लेक्चरर की जो सीट है मैथमेटिक्स की उसके लिए एमएससी मैथमेटिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है फिर लेक्चरर जो फिजिक्स की सीट है उसके लिए एमएससी फिजिक्स के वाले अप्लाई कर सकते हैं 5 इयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है अकाउंटिंग के लिए एमकॉम वाले अप्लाई करेंगे इंग्लिश के लिए एमए इंग्लिश वाले अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस सबके लिए रिक्वायर्ड है अगर मैं सेकेंडरी सेक्शन की बात करूं यानी कि 9th 10th के लिए तो बायोलॉजी जो है वो उसके लिए बायोलॉजी टीचिंग जो जॉब है उसके लिए एमएससी बॉटनी वाले अप्लाई कर सकते हैं फिर बायोलॉजी के लिए एमएससी जूलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं केमिस्ट्री के लिए एमएससी केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए एमएससी फिजिक्स और सिंधी के लिए एमएससी सिंधी वाले अप्लाई कर सकते हैं और इन तमाम सेकेंडरी सेक्शन के लिए 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है नेक्स्ट में लोअर सेकेंडरी मिडिल लेवल जो होता है ठीक है मैथमेटिक्स के लिए एमएससी मैथ वाले अप्लाई करेंगे और इंग्लिश के लिए एमए इंग्लिश वाले अप्लाई करेंगे 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ये अभी सिर्फ मैं कराची की बात कर रहा हूँ फिर उसके लिए जो है प्राइमरी सेक्शन यानी कि अव्वल से जिसे हम कहते हैं 1 क्लास से 5 क्लास तक मैथ साइंस के लिए बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश सोशल स्टडीज के लिए बीएससी बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं उर्दू के लिए बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है नेक्स्ट पेज ही पोजीशन है मोंटेसरी डायरेक्टर नर्स ठीक है और मोंटेसरी डायरेक्टर नर्स के लिए अंदर जो है वो ग्रेजुएट और विद मोंटेसरी का जो डिप्लोमा होता है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं ये प्री लेवल के लिए है यानी कि प्ले नर्सरी प्रेप जो होता है 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ये मैंने कराची कैंपस की बात की है अब मैं बढ़ता हूँ हैदराबाद की तरफ हैदराबाद में एक ही पोजीशन है उर्दू की एमए उर्दू वाले अप्लाई करेंगे ये सेकेंडरी टीचर है 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड है नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर लाहौर है फारसी ये पब्लिक हाई स्कूल वाल्टन लाहौर लाहौर के लिए बायोलॉजी अगर आप सेकेंडरी लेवल पे अप्लाई करते हैं तो एमएससी जूलॉजी बॉटनी वाले अप्लाई कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए एमएससी मैथमेटिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश के लिए एमए इंग्लिश वाले अप्लाई कर सकते हैं और इंग्लिश सोशल स्टडी के लिए बीएससी बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी लेवल पर दो ऊपर 4 से 5 3 से 5 और 2 से 3 का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहां पर देखें कैंडिडेट विद स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है और एनडीएस की वेबसाइट से अप्लाई करने की लास्ट डेट 11 अक्टूबर 2021 है और उसके बाद ये कुछ और उन्होंने कहा है नो टीएडीए मतलब टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम को टीएडीए सफरी अखराजात नहीं दिए जाएंगे ठीक है एप्लीकेशन जो आपने पोस्ट करनी है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ यहाँ पे देखें जी एम्प्लॉयमेंट सीए यहाँ पर आपने जो है अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी सिविल एविएशन अथॉरिटी तो इसके लिए ये मेंशन नहीं किया गया कि कहाँ से लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर कराची में है तो सिर्फ कराची से अप्लाई कर ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है फिर भी आपने जो है वो अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है लेकिन मैंने काफ़ी दफ़े से रीड किया यहाँ पर किसी जगह ये मेंशन नहीं किया गया कि सिर्फ कराची वाले अप्लाई कर सकेंगे या लाहौर में सिर्फ लाहौर वाले अप्लाई कर सकेंगे तो मेरा ये मशवरा है कि लाहौर के करीब करीब जो शहर हैं कराची के करीब करीब हैदराबाद के करीब करीब वो सारे अप्लाई करें इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है तो आप अपने हॉस्टल को ईजिली मैनेज कर सकते हैं तो अब बात कर लेता हूँ मैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है तो सिंपल आपने अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लें पीसी का कर लें वहां पे जाके लिखेंगे nts.org.pk नेशनल टेस्टिंग सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी सिंपल आपने यहां पे ओपन एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करना है जैसे आप ओपन एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह जो जितनी भी जॉब्स अनाउंस होंगी एनटीएस के थ्रू यहाँ पर ओपन हो जाएंगी
यहाँ पर देखें जी, थर्ड नंबर पर CA मॉडल स्कूल कॉलेज टीचिंग जो स्टाफ है रिक्वायर्ड है, मंडे 11 अक्टूबर 2021 लास्ट डेट है, आपने डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, सामने लिखा होगा। यहाँ पे फी के हवाले से है, यहाँ से क्लिक हियर टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट ये वाली जो आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। सेकंड नंबर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपने क्लिक हियर करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने पहले साइन अप करना है, यानी अपना CNIC नंबर ऐड करना है, यहाँ पे कंफर्म CNIC नंबर ऐड करना है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कहाँ, यानी लाहौर, कराची, हैदराबाद, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर जी स्कैंडिस्ट जो है वो बायोलॉजी के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये इस तरह क्लिक करना है, पासवर्ड कन्फर्म पर साइन अप कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जब ये साइन अप हो जाएगा आपने लॉगिन करना है, वही पोस्ट आपने सिलेक्ट करनी है जिसके लिए आपने पहले जो है वो सिलेक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद आपने CNIC नंबर ऐड करना है, पासवर्ड लॉगिन कर लेना, आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसे आपने अच्छे से जो है वो तमाम रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फिल करना है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस के हवाले से रिकॉर्ड आपने ऐड करना है, ठीक है। और फिर आपका जो है चलान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। फी कुछ ज्यादा नहीं होती, 350 से 400 रुपए तक आपकी फी होगी। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग से जो है वो एंटी यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन उनको सेंड करनी पड़ेगी, यानी कि उर्दू के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए अलग से इन्वेल्प जाएगा, अगर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फिर उसके लिए अलग से, यानी आप एक से ज्यादा जो है वो पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन आपको एप्लीकेशन इंडिविजुअली भेजनी पड़ेगी। तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट यानी 11 अक्टूबर 2021 को आपके एप्लीकेशन जो है वो हार्ड फॉर्म में पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि CAA मॉडल स्कूल एंड कॉलेजेस जो कि कराची, हैदराबाद, लाहौर में जो कैंपसेस हैं उनके लिए लेक्चर और टीचिंग जॉब्स अनाउंस की गई हैं। मेल फीमेल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बीएड ज़रूरी नहीं है, बैचलर से मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी मिनिमम बीए बीएससी और मैक्सिमम मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर जो है वो इंस्टाग्राम यूज़र हैं, आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अकाउंट एजुकेशन जो अपडेट्स है उसको इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो करें, क्योंकि जो भी जॉब्स अपडेट्स आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन आता है, एजुकेशनल न्यूज़ आती है, वो सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करता हूँ ताकि यहाँ पर शेयर होने वाली तलीमी मालूमात भी आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।